टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के वसई पश्चिम में भोई गांव में समुद्र तट पर गुरुवार को स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध बोट देखा और जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की माने तो ये बोट समुद्र में इस जगह खड़ी थी जहां मछुआरे नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि वहां बड़ी बड़ी चट्टान थी। पुलिस ने पहले इस बोट का जायजा हेलीकॉप्टर से लिया कि इस बोट में कोई है या नहीं है, और जांच में जुटी पुलिस को पता चला कि समुद्र में दिख रही संदिग्ध बोट उत्तन के मछुआरे राफ्टर का लोखे की है जिसके अंदर रफीक नाम का एक मजदूर फंसा हुआ है। बोट के मालिक ने बताया है कि उत्तन के समुद्र किनारे बोट खड़ी की थी मगर तेज हवा की वजह से रस्सी टूट गई और बोट वसई समुद्र तट पर बहकर पहुंच गई। पुलिस ने रेस्क्यू करके रफीक को बाहर निकाल लिया। सुबह 7 बजे उत्तन सागरी किनारे से बोट का रस्सी टूट के उसके बाद वो भूलगांव के समुद्र किनारे जो पत्थर का एरिया उधर अटक गए थे, उसको बाहर निकालने के लिए हमने बहुत कोशिश किया लेकिन दूसरी बोट उधर तक जा नहीं सकती, इसलिए कोस्टल गार्ड के मदद लेके हमने उसका हेलीकॉप्टर आया। उसके बाद वो लोगों ने सर्च करके उधर अंदर जो आदमी है रफीक शेख उसको लिफ्ट करके रेस्क्यू ऑपरेशन करके उसके हमारे पजिशन में दे दिया।